नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के सोनीपत जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को पहले तो युवक ने फेसबुक पर अपने प्यार के जाल में फंसाया है, फिर उसे जन्मदिन के बहाने सोनीपत बुलाकर गीता भवन चौक पर स्थित एक निजी होटल में ले गया है, जहां युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दी है। पुलिस ने रेप और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल सोनीपत के मदीना गांव के रहने वाले एक युवक ने दिल्ली की रहने वाली एक महिला को पहले तो फेसबुक पर अपने प्यार के जाल में फंसाया, बाद में उसे अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर सोनीपत बुलाया। युवक उसे गीता भवन चौक पर स्थित एक होटल में ले गया, वहां जाकर महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है और उसके बाद महिला सोनीपत सिविल लाइन थाना पहुंची और अपने साथ हुई वारदात की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज कर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोनीपत के गांव मदीना का रहने वाला है और दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। युवक ने जन्मदिन के बहाने बुलाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।